हम भूखे मर जाएं, ऐसे विकास का हम क्या करेंगे? अरे विकास करना है तुम गरीबों के लिए कीजिए जो भूखे मर रहे हैं। अब क्या 1.5 महीने हो गए, 4 मई की घटना है मणिपुर की, कब कार्रवाई होगी उसके? अमेरिका का आएगा बाइडेन। अभी एक उसी चीज को अगर एक मुस्लिम करा होता तो उसे इनकाउंटर कर दिया गया होता। अभी अभी एक इनकाउंटर किया गया होता। गुंडागर्दी खत्म है, आप कैसे देख रहे हैं? कहाँ पे खत्म है गुंडागर्दी? तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता वही कर रहे हैं, हर जगह पे जहाँ भी देखो गुंडागर्दी देखो, जो मीडिया पे देखो बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं उस चीज को। चलिए आप बताइए क्या नाम है? आकाश रावत। आकाश रावत जी सर। अच्छा आप बताइए आकाश जी, आप क्या देख पा रहे हैं सरकार को लेकर के? 9 साल हो गया है और कितना कुछ युवाओं के लिए हो पाया? युवाओं के लिए तो सर कुछ नहीं हो पाया अभी तक, कुछ नहीं हो पाया है। सिर्फ भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ नहीं हो पाया। जितने भी टेक्निकल इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म जितने भी निकाले हैं आज तक कोई सक्सेस, अधिकतम फेल हुए हैं वो, कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से वो डिस्पोज हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसा पोस्ट नहीं आई हुई है। इन्होंने जितनी भी पोस्ट दी हैं, जितने भी सरकारी नौकरी दी हैं, वो आधी से ज़्यादा वो रिजेक्ट हुई हैं। तो जो भी हुई हैं वो किसी के ब्याह पे नहीं हुई हैं, किसी के पास पैसे हैं उसकी हो रही। और सबसे ज़्यादा जिसके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिस भी लड़के के विपक्ष में, जैसे कि पक्ष में बीजेपी के लड़के हैं उनके समर्थन में, उनका ही सिलेक्शन हुआ जा रहा है। और अभी अभी आपके जो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छी है, अभी अभी 4 मई को जो हुआ था मणिपुर में, एक हादसा हुआ है, जो हुआ है दुर्घटना हुआ है, दो महिलाओं के साथ एक ऐसी शर्मनाक हादसा हुआ है, उस जगह पे बीजेपी की सरकार है। और वो बीजेपी के जो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं इस चीज़ को आम बात है। और घटनाएं हो रही हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो, और अधिकतम ऐसे देखे होंगे आप कि जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं उनके पक्ष में अगर या वो करते हैं उस चीज को, या फिर उनके कार्यकर्ता करते हैं, उन पे कोई आज तक एक्शन नहीं हुआ है। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है, कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा केस दिखा दीजिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो उसमें और बीजेपी कार्यकर्ता को सजा हुई हो। मणिपुर का एक हादसा जो हुआ है, बीजेपी की सरकार, कोई भी ऐसा केस दिखा दीजिए मुझे। अच्छा ऐसा है कि ऐसी मतलब और भी राज्यों में ऐसी घटना अभी तक तो ये जो अभी मणिपुर का केस ओपन हुआ है, अभी ओपन हुआ है, रीजन है इसका जो सीमा हैदर का केस अभी ओपन हुआ है। ये सीमा हैदर का मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो चर्चे हो रात दिन जो चल रहा है, आज तक कोई सोशल मीडिया दिखा पाई है कि सीमा मणिपुर में जो केस हुआ है उसका कोई इतना चर्चा हुआ है? वो 4 मई का केस है। इसी को छिपाने के लिए सीमा हैदर का केस ओपन किया गया था, और रात दिन मीडिया में सिर्फ सीमा हैदर। उस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो मणिपुर में जितना बड़ा हादसा हुआ है? ये हमारे लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए शर्मनाक हादसा है ये। बिल्कुल, आपने जब उस वीडियो को देखा तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? खून खोल रहा है कि हमारी सरकार क्या कर रही है वहाँ पे, वो बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी कर रहे हैं वो बीजेपी की सरकार क्या कर रही है उनको? अच्छा अब एक बात बताइए, इस सरकार में कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी खत्म है, आप कैसे देख रहे हैं? कहाँ पे खत्म है गुंडागर्दी? तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता वही कर रहे हैं, हर जगह पे जहाँ भी देखो गुंडागर्दी देखो, जो मीडिया पे देखो बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं उस चीज को। उन्हीं के चैनल भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये मीडिया पे बड़ा सवाल उठता है। अभी तक सोशल मीडिया पे एक नोटिस जारी हुआ था कि सोशल मीडिया पे कोई भद्दा कमेंट या फिर काट मार की कोई भी न्यूज़ चलेगी तो उस पे उसको एक्शन किया जाएगा। यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता इतने खुला पैर काटने की धमकी दे रहे हैं, खुला जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कितने को एक्शन हो गया, कितने पे कार्रवाई हुई है? अच्छा एक बात बताइए, आप क्या करते हैं? सर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन होने के बावजूद भी आप राजनीति से लेकर के तमाम मीडिया में जो चलता है आप सब पकड़ रखते हैं? सर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो इस चीज़ को जानकारी हमें है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप सरकार के अंदर क्या देख पा रहे हैं, विपक्ष और इधर से क्या देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है अभी? अभी सर मुझे इस, आपको पता विपक्ष ने मिलकर इंडिया बनाया है गठबंधन। जी बिल्कुल, इधर एनडीए है, मजबूरी है बनाना। कोई भी किसी भी बीजेपी विपक्ष पार्टी को, बीजेपी के विपक्ष पार्टी को हर कोई टारगेट कर रहे हैं। कैसे?
किसी मणिपुर में जाके देखिए सर, कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई भी कार्यकर्ता विपक्ष कार्यकर्ता नहीं जा सकता। अभी तक हाथरस में जो केस हुआ था, किसी विपक्ष को जाने दिया था, वहाँ पे पूरे एरिया को पुलिस ने घेराव करा दिया। छोटे छोटे सवाल है, सबका साथ सबका विकास इस नारे का मतलब समझते हैं? जी बिल्कुल। कैसा देख रहे हैं इस नारे का, कितना सफल हुआ? इसका तो आधा भी नहीं सफल हुआ है इनका। ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, किसका विकास हुआ है आज तक ये बताइए, किसका विकास कर रहे हैं? युवाओं के लिए क्या हुआ? युवाओं के लिए कुछ नहीं। यहाँ पे कितने हैं रोजगार वाले, कितने रोजगार वाले हैं? सब मजदूरी करने वाले हैं। महिलाओं के लिए क्या हुआ? महिलाओं के लिए आप देख लो, मणिपुर का केस देख लो, हाथरस को महिलाओं के लिए देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा है, वहाँ बेटियों को देख लियो कैसे हो जा रहा है। एक बात बताइए, मोदी जी जो बोलते हैं वो कहते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी देते हैं, और इतना मतलब इस घटना को लेकर के मोदी जी बोल रहे हैं कि उनके हृदय पीड़ा से भर उठा है, कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी, क्या होगा? डेढ़ महीने हो गए, 4 मई की घटना है मणिपुर की, कब कार्रवाई होगी उसके? अमेरिका का आएगा बाइडन। अभी एक उसी चीज को अगर एक मुस्लिम करा होता तो उसे इनकाउंटर कर दिया गया होता, अभी अभी एक इनकाउंटर किया गया होता, ये तुरंत इनकाउंटर करवाते उस चीज को। अभी तक उसमें कोई दो की चार लोग पकड़े गए हैं, अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि 2 या 4 लोगों को पकड़ा दिखाया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो, वहाँ पे बहुत से लोग थे। दो सवाल हैं, एक तरफ मोदी जी एक तरफ राहुल गांधी, ये बताइए कि राहुल गांधी जी को लेकर के आम जन के अंदर आप जैसे युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है, और उसके बाद फिर मोदी जी को लेकर के मन में क्या चल रहा है, दोनों को लेकर के बताइए। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जी अच्छे हैं या फिर मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमारा नुकसान ही हो रहा है, हम नीचे ही जा रहे हैं। वो बिजनेसमैनों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो बिजनेसमैनों को ही बढ़ावा दे रहे हैं, वो उन्हीं को देते रहेंगे, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपके नजरों में सरकार को क्या माने हैं? पहले एक बात बताइए सर, हम यहाँ पे कोई 300 से 400 से रुपए से ज्यादा दिन का कोई नहीं कमा रहा है, एक दिन का कोई नहीं कमा रहा है। किसी के घर में देख लीजिए, अगर अभी जाएंगे ये तो कम से कम 300-400 का सामान लेके जाएंगे, 300 कमा रहे हैं और 300 का सामान लेके जाएंगे ये, तो उसमें हमारा क्या बचेगा और हम क्या आगे की तरक्की कर पाएंगे? हम जहाँ हैं वहीं तो रहेंगे, तो फिर कैसे उससे नीचे ही जा रहे हैं? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि हम उससे नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं यहाँ देखता हूँ, काफी सारे लोग आते हैं और मैं पिछले कई दिनों से बातचीत करता हूँ, आता हूँ भैया आप लोगों के पास भी आता हूँ, भैया एक इधर बीते में आता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि सैलरी समय के अनुसार बढ़ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? कितनी बढ़ रही है इधर? कोई भी जो छोटी पोस्ट पे है, मैं बड़ी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटी पोस्ट पे है किसी की 15,000 से ज्यादा सैलरी हो बताए अभी? कितनी सैलरी है? 10,000 सर। 10,000 चचा, कितनी सैलरी आपकी? मेरा सैलरी 9,000 रुपए है। 12,200। हाँ कितनी? 10,000 बेसिक सैलरी। 10,000 सबकी इतनी है? सबकी इतनी है, कोई भी 15,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो आप 15,000 में आप ये बताइए, इस महंगाई के दौरान आप 15,000 में घर का खर्चा और अपना खर्चा रूम का भाड़ा कितना कर लेंगे आप? बड़ा दिक्कत है, फिर इसी हालात में आप लोग कैसे घर परिवार? रीजन है, मजबूरी है, पेट के लिए कर रहे हैं, उस भी उसी तनख्वाह में पेट के लिए कर रहे हैं, नहीं करेंगे मरेंगे भूखे। चलिए विकास तो हो रहा है ना, कम से कहां से विकास हो रहा है? ऐसे विकास का हम क्या करेंगे जब हम भूखे मर जाएं? हम भूखे मर जाएं, ऐसे विकास का हम क्या करेंगे? अरे विकास करना है तो उन गरीबों के लिए कीजिए जो भूखे मर रहे हैं। मेरी 9,500 की सैलरी है। तो मतलब आपको विकास नहीं चाहिए? बता, इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, सरकार जो कह रही है कि हम घर या आवास योजना देके घर बनवा रहे हैं, लोगों को जो है किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, उसके बाद जो है देश को मजबूत कर रहे हैं, तो ये सब तमाम चीजें सरकार कहती है। किसानों को सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं? 2,000 रुपए कितने दिन के दे रहे हैं? वो छमाही दे रहे हैं, छमाही में 2,000 रुपए हमारे खर्चे चल जाते हैं। जब हम 15,000 महीने की सैलरी से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके 2,000 रुपए से हम बहुत कुछ कर लेंगे? वो 2,000 रुपए तो इनके कुछ भी पता नहीं लगता हमें कहाँ जा रहा है ये। चलिए महंगाई को लेकर अब एक दो सवाल है, उसके बाद मैं और लोगों से पूछूंगा। महंगाई पे आप कैसे देखते हैं, कितनी महंगाई बढ़ी है और क्या कम होनी चाहिए, तो कैसे कम होगी इस पर बताइए। महंगाई 75% ज्यादा बढ़ चुकी है, 25% बचा हुआ नहीं, 75% महंगाई बढ़ चुकी है। कैसे कम होगा महंगाई? महंगाई कम होने का क्या चांस है? अब ये कम महंगाई कैसे कम करेंगे जब जो भी क्या बोलते हैं, सॉरी
अच्छा देखिए, पीछे से एक चाचा बता रहे हैं कि पहले दूध जो मिलते था जो लेकर के आते थे उसमें भी शायद टैक्स जीएसटी बढ़ गया है, तो दूध वगैरह पीते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ की टॉफी ले लो, टॉफी पे जीएसटी है। दूध पे तो बात बड़ी, बहुत 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 बड़ी बात है, टॉफी पे जीएसटी हो गई है। आप एक रुपये का सामान लो उस पर भी जीएसटी दोगे आप, और जब जीएसटी बढ़ेगी, जब जीएसटी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। माँ बाबू लोगों से पूछूंगा, आखिरी सवाल है, आपके नज़र में सरकार फेल है पास से? जल्दी बताइए। फेल है, पूरा फेल है। फेल है, थोड़ा कुछ तो बता दीजिए। नहीं फेल है, जब हमारा ग्रो नहीं हो रहा है तो हम इसे कैसे पास करेंगे? हम फेल ही करेंगे इसको। चलिए।